नमस्कार, चंबल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी सी केक डेकोरेशन शेयर करने जा रही हूँ, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बहुत ही लेटेस्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने इसकी क्रम कोटिंग कर ली है, अब हम इसकी करते हैं फाइनलाइजिंग। ये देखिए इस तरह से। अगर आप लोग प्रॉपर आइसिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हो, वहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इसकी आइसिंग अंदर कैसे की जाती है। स्पंज को कट कैसे किया जा सकता है आप ये मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो, और इनकी क्रम कोटिंग या फिर अंदर की आइसिंग किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि पूरा वीडियो दिखाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आज आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हम इसके ऊपर से इसको फिनिशिंग देना स्टार्ट करेंगे, या फिर आप इसको साइड से भी फिनिशिंग देना स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इसकी साइड से फिनिशिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी फिनिशिंग की जाती है। जहाँ कहीं भी आपको क्रीम थोड़ी बहुत कम लगे आप वापस उसको लगा सकते हो, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फिनिशिंग देना होता है। आप ज़्यादा टाइट हाथ लगाओगे तो हो सकता है इसकी क्रीम ज़्यादा निकलने लग जाए, फिर स्पंज भी बाहर दिखने लग जाता है, वो बहुत बेकार लगता है। अब हम इसके एजेस को शार्प करते हैं। ये देखिए पैलेट नाइफ को इस तरह से, यहाँ पर भी बिल्कुल हल्के हाथों का यूज करना होता है। और ये देखिए हमने इसके एजेस को भी अच्छे से शार्प कर लिया है। और ये देखिए हमने इसकी फाइनलाइजिंग कर ली है केक की। ये यहाँ पर लिए हैं कुछ शुगर बॉल्स, इनको हम इस तरह से बॉर्डर पर लगाना है, क्योंकि हम इसको एक में बॉर्डर नहीं दे रहे हैं क्रीम से, इसलिए ये देखिए इस तरह से। आपको जितने हाइट में ये रेनबो बॉल्स लगाना हो उसी हिसाब से आप इनको स्प्रिंकल करें। ये देखिए मुझे फुल कवर नहीं करना है शुगर बॉल से, इसलिए, और मैंने नीचे थाली का इस्तेमाल किया है जिससे शुगर बॉल्स इधर उधर नहीं गिरे नीचे। नॉर्मली होता है क्या, हम शुगर बॉल्स को इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं तो वो सारे फर्श पर नीचे गिर जाती हैं, इसलिए, जिससे वेस्टेज भी नहीं होती। इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो आपकी सारी शुगर बॉल्स सेफ रहेंगी। और ये देखिए हमारा केक ये कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम केक को डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसके हम डबल कलर के फ्लावर बनाएंगे, इसलिए एक कलर से हम पिंक से बना रहे हैं। ये देखिए ये बन एम नोजल का इस्तेमाल किया है मैंने इस तरह से। ये देखिए, और ये देखिए एक मैंने रोज फ्लावर बनाकर तैयार किया है, इसको हम सेंटर में असेंबल करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये खाली जगह में भी मैं एम्बन नोजल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मैं छोटे छोटे रोजेट बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए लुक कितना प्यारा लग रहा है केक का। और अब मैं ये सेंटर वाले फ्लावर के ऊपर गोल्डन स्प्रे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से करूँगी, जिससे इस पर प्यारा सा गोल्डन टच आ जाए और शाइनिंग भी बहुत प्यारी आएगी। ये देखिए आप लोगों का ये अब क्लियर दिखने लगेगा। और ये मैं कुछ शुगर बॉल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, गोल्डन कलर के शुगर बीट्स हैं। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसी डेकोरेशन आपको पसंद हो उस हिसाब से। और ये कुछ बड़े बीट्स हैं शुगर के, ये देखिए। और ये साइड में भी मैं इस तरह से कुछ गोल्डन शुगर बीट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बड़े हैं, इनसे हाईलाइट ज़्यादा होता है केक और देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरह से। और कुछ ये रेनबो बॉल्स में ये खाली जगह इसमें डाल रही हूँ, जिससे हाईलाइट होगा फ्लावर। ये देखिए इस तरह से, और
फाइनली अब मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ गोल्डन फ्लेक्स। आप चाहें तो इसमें सिल्वर फ्लेक्स या जो कॉपर फ्लेक्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर स्किप भी कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो। ये देखिए इससे केक का लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस तरह से। और केक में एक अच्छी सी शाइनिंग के लिए यूज कर रही हूँ सिल्वर स्प्रे का। ये देखिए इससे केक में बहुत ही प्यारी सी शाइन आती है। और ये देखिए फाइनली हमारी केक डेकोरेशन तैयार हो गई है। आप लोगों को ये केक डेकोरेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ।